CAA पर अरविंद केजरीवाल के बयान पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह किसी भी भारतीय को उनकी नागरिकता से वंचित नहीं करता। CAA केवल उन लोगों को नागरिकता देता है जिन्हें उनकी आस्था के आधार पर सताया गया है। मैं CAA के नाम पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश करने वालों से कहना चाहता हूँ कि वे रुके, झूठ बोलना बंद करें। मैं दक्षिण भारत, विशेषकर केरल और तमिलनाडु की पार्टियों से नफरत फैलाना बंद करने का आग्रह करता हूँ। मित्रों, आज केजरीवाल का एक बहुत ही विचित्र वक्तव्य आया है कि CAA के आने से बाहर के लोग नौकरी लेंगे। ये कौन सा तर्क है? ये जो हिंदुस्तान में लोग आए हैं ये कौन है? ये अपने आस्था के नाम पर प्रताड़ित होकर आए हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से तो भारत तो एक प्रकार से इस तरह से प्रताड़ित लोगों के लिए अवसर देता है ना, और यही रह रहे हैं ना वो बड़ी संख्या में, तो क्या उनको कानूनी माध्यम से नागरिकता का संरक्षण देना